चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैनिक सरकार पर साधा निशाना, एसपी और डीएपी खाद का उठाया मुद्दा, एमएसपी से 300 रुपए कम मिल रहा अनाज का भाव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, खाद की कमी का किसान कर रहे सामना। एसपी और डीएपी खाद का मुद्दा उठाया गया, एमएसपी से 300 रुपए कम मिल रहा अनाज का भाव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैनी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और ऐसे में एसपी और डीएपी खाद का मुद्दा उठा गया। लगातार डीएपी खाद का मुद्दा हरियाणा में गरमाया हुआ है, किसानों को समय पर डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। में भी नई सरकार बनी है, हरियाणा मुख्यमंत्री बने हैं, कल परसों विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, गवर्नर एड्रेस होगा और अप्रोप्रिएशन बिल वो लेंगे, बाकी तो बजट में बात होगी। लेकिन ये जो दो महीने सरकार बने हुए हैं, इन्हें दो काम किए हैं, एक तो किसान को खाद मिलता नहीं और एमएसपी नहीं मिलती। एमएसपी का वायदा क्या है, 3100 देंगे, जो एमएसपी है उससे भी कम मिल रहा है, 300-300 रुपए प्रति क्विंटल कम मिल रहा है, और किसानों पे पराली के नाम पर मुकदमे बढ़वाने का काम कर रहे हैं। तो ये इनकी अचीवमेंट है, इस बात की चर्चा विधानसभा में होगी भाई क्या उपलब्धि है। तो कूद के जो है ना पैर पालने में पिछाने जाते हैं, तो ये आगे क्या उम्मीद है इनसे, देखेंगे गवर्नर में क्या कहेंगे। तो देखिए, हरियाणा में अभी नई सरकार बनी है, हरियाणा मुख्यमंत्री बने हैं, कल परसों विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, गवर्नर एड्रेस होगा और अप्रोप्रिएशन बिल वो लेंगे, बाकी तो बजट में बात होगी। लेकिन ये जो दो महीने सरकार बने हुए हैं, इन्होंने दो काम किए हैं, एक तो किसान को खाद मिलता नहीं और एमएसपी नहीं मिलती। एमएसपी का वायदा क्या है, 3100 देंगे, जो एमएसपी है उससे भी कम मिल रहा है, 300-300 रुपए प्रति क्विंटल कम मिल रहा है, और किसानों पे पराली के नाम पर मुकदमे बढ़वाने का काम कर रहे हैं। तो ये इनकी अचीवमेंट है, इस बात की चर्चा विधानसभा में होगी भाई क्या उपलब्धि है। तो कूद के जो है ना पैर पालने में पिछाने जाते हैं, तो ये आगे क्या उम्मीद है इनसे, देखेंगे गवर्नर में क्या कहेंगे। तो देखिए, हरियाणा में अभी नई सरकार बनी है, हरियाणा मुख्यमंत्री बने हैं, कल परसों विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, गवर्नर एड्रेस होगा और अप्रोप्रिएशन बिल वो लेंगे, बाकी तो बजट में बात होगी। लेकिन ये जो दो महीने सरकार बने हुए हैं, इन्होंने दो काम किए हैं, एक तो किसान को खाद मिलता नहीं और एमएसपी नहीं मिलती। एमएसपी का वायदा क्या है, 3100 देंगे, जो एमएसपी है उससे भी कम मिल रहा है, 300-300 रुपए प्रति क्विंटल कम मिल रहा है, और किसानों पे पराली के नाम पर मुकदमे बढ़वाने का काम कर रहे हैं। तो ये इनकी अचीवमेंट है, इस बात की चर्चा विधानसभा में होगी भाई क्या उपलब्धि है। तो कूद के जो है ना पैर पालने में पिछाने जाते हैं, तो ये आगे क्या उम्मीद है इनसे, देखेंगे गवर्नर में क्या कहेंगे। तो देखिए, हरियाणा में अभी नई सरकार बनी है, हरियाणा मुख्यमंत्री बने हैं। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैनिक सरकार पर निशाना साधा और लगातार विपक्ष जो है वो प्रदेश सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में डीएपी खाद का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, लगातार किसानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। सरकार पर हमलावर है विपक्ष, और लगातार जो है डीएपी खाद का मामला जो है हरियाणा में गरमाया हुआ है काफी लंबे समय से। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अब इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दो महीने हो गए हैं, खाद की कमी है, इसके अलावा एमएसपी का जो दाम तय हुआ है उससे भी काफी कम नीचे जो है जो फसलें हैं वो बेची जा रही हैं,
जब उनसे पूछा गया कि नेता विपक्ष की क्या स्थिति है, तो उसको लेकर उनका कहना था कि नेता विपक्ष को लेकर फैसला जो है आला कमान को करना है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आला कमान पर फैसला हो जाएगा। उन्होंने अपनी सारी औपचारिकता करके पूरी करके दे दी है। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने सरकार पर यह भी कहकर निशाना साधा है कि सरकार के पास काम के लिए सदन चलाने के लिए कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया। जी। ललित कांडपाल अगर बात की जाए तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैनिक सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के समय में जो भी वादे सरकार की तरफ से किए गए थे वो वादे अभी पूरे नहीं किए गए, तो तमाम तरह के आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लगाए गए हैं, तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई? देखिए, आरोप क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी कही जाए तो चुनाव हारी है, अपोजिट पक्ष में बैठेगी, उन्होंने तो आरोपों में सच्चाई की बात की जाए तो खाद को लेकर अगर देखा जाए तो खाद को लेकर कई संगठन भी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं और खाद को लेकर किसानों के कई संगठन भी हैं जो इस बात को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। अब विपक्ष ने वो मुद्दा लपक लिया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो एमएसपी को लेकर जो है सरकार ने कहा था कि वो 3100 रुपए की एमएसपी देगी, तो सरकार को अभी उस फॉर्मेट में आने में थोड़ा समय तो लगेगा, इतनी जल्दी कैसे उम्मीद की जा सकती है। तो हालांकि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि विपक्ष में है, वो साफ कह रहे हैं कि आपने जो मैनिफेस्टो में कहा था उसको पूरा करिए, तो अब सरकार कितनी जल्दी इस बात को पूरा करती है, कितनी जल्दी किसानों की समस्या को दूर करती है, ये देखना होगा। जी ललित कांडपाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।